एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ पनीर की रबड़ी की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। पनीर की रबड़ी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास दूध, साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हो, 1 कटोरी चीनी। यहाँ मैंने 15 से 20 जो है वो केसर की जो होती हैं पत्तियाँ होती हैं उसको मैंने इस तरीके से दूध में डाल दिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ छोटी इलायची के दाने, छोटी इलायची का आप जो है इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, और साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पर मिल्क पाउडर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है पनीर, पनीर जो है उसको मैंने क्रश कर लिया है, और साथ ही मैं रबड़ी को और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये बादाम ड्रिंक का जो पाउडर लिया है ये मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। तो चलिए रबड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ मैंने जो है कढ़ाई में 1 गिलास दूध जो है मैंने डाल दिया है और इसको हम बॉयल होने तक पकाएंगे। दूध को उबाल आने पर इसके ये साइड में जो मलाई इसकी आ जाती है हम इसको जो है वो कढ़ाई के साथ ही इस तरीके से चिपकाते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी छोटी इलायची के दाने, आप चाहो तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो अब हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे ये जो केसर है, केसर को मैंने पहले से ही कच्चे दूध में भिगो के रख दिया था, तो आप इसमें केसर ऐड करेंगे। दोस्तों केसर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। तो केसर डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, तो इसको हम इसी तरीके से पकाएंगे और ये जो इसके ऊपर मलाई आ जाती है इसको हम साइड में कढ़ाई के साथ ही इस तरीके से चिपकाए जाएंगे। ये बिल्कुल हलवाई की स्टाइल जो है रबड़ी तैयार होगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बादाम पाउडर। डालने के बाद हम इसको अच्छे से दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। बादाम मिल्क पाउडर दोस्तों आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से जो है वो मिल जाएगा, तो इसको जो है इसमें थोड़ा सा सैफरन भी होता है, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच लिए है। मैंने दूध में मिल्क पाउडर जो है वो मिला लिया है। अब मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर जो है वो हमारे दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो आप उसकी जगह कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप मिल्क पाउडर से ही बहुत अच्छी जो है रबड़ी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारा ये दूध पक के इससे आधा नहीं हो जाता, इससे कम नहीं हो जाता। इसकी मलाई जो है हम इस तरीके से ऊपर से उतार कर कढ़ाई के साथ चिपकाते रहेंगे। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगा, ये बहुत ही टेस्टी रबड़ी तैयार होगी। होप आपको जो है वो मेरी रबड़ी की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, बच्चों को स्पेशली बहुत ही पसंद आने वाली है ये। तो दोस्तों गैस को हम अब मीडियम रखेंगे, तो इसके ऊपर जितनी भी ये मलाई आ रही है हम इसको इसी तरीके से जो है वो कढ़ाई के साथ चिपकाते जाएंगे। अगर आप कहीं भी हलवाई के पास जाते हो रबड़ी लेने के लिए या कहीं, तो आपने देखा होगा कि हलवाई जो होते हैं वो इसी तरीके से कढ़ाई के साथ मलाई को चिपकाते हैं, तो रबड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हो हमारी रबड़ी का कलर बहुत ही अच्छा बना है। तो दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी अगर आप लाइट खाना पसंद करते हैं तो आप कम ही डालेंगे, आप अपने चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं इसमें चीनी डाल देते हैं।
तो चीनी डालने के बाद हम इसमें एक उबाल आने देंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक कटोरी चीनी ली थी, लेकिन मैंने इसमें आधी कटोरी चीनी ही ऐड की है, क्योंकि हमने बादाम ड्रिंक ऐड किया था और साथ में मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया था, उसमें भी हल्की सी चीनी जो होती है वो, इसलिए मैंने आधी कटोरी चीनी ही ऐड की है। तो चलिए अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने पनीर को जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो पनीर ऐड करने के बाद हम इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे। तो आंच को हम अब तेज कर लेते हैं। तो दोस्तों पनीर डालने के बाद हमारी जो रबड़ी में एक उबाल जो है वो आ गया है। तो अब हम गैस की जो फ्लेम है उसको हम बंद कर देंगे। तो इसी के साथ हमारी रबड़ी बनकर रेडी है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ हमारी रबड़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो रबड़ी बनने के बाद इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। रबड़ी को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी के कूलर लिए हैं। आप चाहो तो आप किसी में भी रबड़ी को सर्व जो है वो कर सकते हो। तो चलिए रबड़ी को सर्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी जो रबड़ी है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसकी जो है डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। और दोस्तों ये हमारी जो कढ़ाई में हमने रबड़ी जो है बनाई थी, इसके साइड में आप देख सकते हो इस तरीके से जो मलाई है, ये हम सारी मलाई को निकाल लेंगे। जो मैंने कढ़ाई की साइड से सारी निकाल ली है, तो अब ये मलाई जो है वो हम इसमें डालेंगे। दिल्ली में चांदनी चौक की मशहूर मलाई रबड़ी जो है वो बनकर रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो एक बार प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने मलाई को रबड़ी के ऊपर जो है वो मैंने डाल दिया है। आप चाहो तो डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ बादाम लिए हैं, आप पिस्ता भी ले सकते हो, जो है काजू ले सकते हो। आप ड्राई फ्रूट्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ कीजिए। हाँ, मेरी मलाई रबड़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Close till I get up. Time is barely on our side.